स्टूडेंट्स अब आते हैं पहला टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक क्या है, समरूप त्रिभुज की रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आएगा, सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और अगर इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन जानना है तो थंबनेल में मैं इंग्लिश में भी लिखा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ हूं, ठीक है, तो आप थंबनेल से पढ़ सकते हैं, वैसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर की रचना करना है, यानी कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, साथ ही साथ और त्रिभुज, उसी के साथ एक और त्रिभुज एबीसी की रचना करना है ना, यानी कि क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जिसमें ठीक है हुज क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 2/3 टाइम्स होगा पी क्यू से, ये बोला गया, मतलब अपने को दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, दो त्रिभुज की रचना करना है, पहला पी क्यू आर दूसरा एबीसी, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि ए बी जो है ना वो पी क्यू से 2/3 हो, ठीक है, 2/3 पार्ट हो, क्लियर है। तो ये कैसे हो सकेगा, तो देखो ध्यान से समझिएगा, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है, तो ठीक है पी क्यू आर बना लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ दिया है क्या कि पी क्यू कितना है, क्यू आर कितना है, या एंगल क्यू कितना है, एंगल आर कितना है, ये सब तो नहीं दिया ना, जैसे कि अपन क्लास 8th-9th में कंस्ट्रक्ट करते थे ट्रायंगल त्रिभुज बनाते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब कोई भी अपने मर्जी से आप कोई भी लंबाई लेके लेंथ लेके आप ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना, ये लिख देंगे हिंदी मीडियम वाले। तो कोई भी माप का ले लो, कोई भी मेजरमेंट का, जैसे कि पी क्यू मैं ले लेता हूं बेस लाइन, तो ये हो गया पी क्यू, ठीक है, और एक होगा ना आर, त्रिभुज बना रहे हैं तो सपोज त्रिभुज बना रहे हैं तो ये सपोज इसको आप ले लेना 7 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि कुछ दिया है नहीं, ठीक है, 5-7 जो लेना है ले सकते हो, ठीक है। फिर अपने को पी क्यू तो आ गया, एक आर और चाहिए, तो कितना भी सेंटीमीटर का आर्क ले लेना, ठीक है, यानी कि चाप, ठीक है, तो चाप ले लेना उस यहां से डिवाइडर से, और यहां पे कट कर देना, और यहां भी आप कितना भी सेंटीमीटर का कट कर देना, और इसको आप ज्वाइन कर देना, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज तो बनाना है, कितना सेंटीमीटर का क्या बनाना है ये तो नहीं बोला गया, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेट सपोज ये 7 सेंटीमीटर का है और ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी ले लेना आप अपनी मर्जी से। तो पी क्यू और ये बिंदु आर हो जाएगा, तो त्रिभुज पी क्यू आर तो बन गया। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे ड्रॉ करना था त्रिभुज एबीसी कि एबी जो है ना वो 2/3 पार्ट हो पी क्यू से, ठीक है, तो ये कैसे हो सकेगा, तो 2/3 पार्ट करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमको ये लाना है कि जो AB का जो AB ट्रायंगल बनेगा ना वो PQ का 2/3 पार्ट होना चाहिए, कैसे होगा, तो ये PQR है, ठीक है, और इसमें से जो AB है वो 2/3 पार्ट आना चाहिए, कैसे डिवाइड कर पाएंगे, यानी कि इससे छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, ठीक है, और कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, तो देखिए ध्यान समझिए हम क्या करेंगे। देखो पहला स्टेप ध्यान समझिए, स्टेप हम यहां P से कोई भी एक लाइन खींच देंगे, लंबा लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब ये चीज बस आप याद रखना कि जो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, यानी कि क्यू पी और ये है ना, ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ऐसा 90 डिग्री से ज्यादा मत करना, इसको न्यून कोण ही बनाना, ठीक है ना, यानी कि 90 से कम ही होना चाहिए, तो ऐसा आप कितना भी ऐसा लंबा लाइन खींच सकते हैं, लाइन खींचा गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कितना पार्ट पे डिवाइड करना था, 2/3 पार्ट में, तो सबसे बड़ा क्या है, यानी कि 2 और 3 है ना, तो बड़ा क्या है, 3 है ना, तो इसको हम 3 बराबर पार्ट करेंगे, 3 बराबर पार्ट यानी कि यहां से चाप लेंगे, यानी कि आर्क लेंगे कितना भी का यहां तक, फिर वही चाप से यहां, फिर यहां, ठीक है, ये 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस बिंदु को नाम दे देता हूं, जैसे कि ये P है तो ये P1, P2, P3। अब क्या करेंगे, देखो ये लास्ट वाले पॉइंट यानी क्यू को इस लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, स्केल से ज्वाइन करना, ठीक है, स्केल रख के इसको आप ज्वाइन कर देना, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि छोटा वैल्यू कौन सा था, 2 था है ना, बड़ा वैल्यू 3 था, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब जो 2 है ना तो सेकेंड पॉइंट से लेंगे, यानी कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। अब यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो कैसे, ऐसा तिरछा कुछ भी क्या, ऐसा नहीं, क्या करना है, यहां से अपने को इस लाइन को ज्वाइन करना है, लेकिन कैसा, इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समांतर होना चाहिए। तो समांतर हम कैसे कर सकते हैं, या तो सिंपली आप स्केल को रख कैसे समांतर कर सकते हैं, वैसा में एरर होने का चांस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चांदा रख के प्रोटेक्टर, ठीक है, चांदा रख के आप यहां से इसका डिग्री नाप लेना, ठीक है, कितना अंश का है, उसी हिसाब से यहां से आप डिग्री नाप के इसका लाइन खींच देना, फिर भी पैरेलल ही बनेगा, ठीक है, या तो आप रफ में स्केल से भी कर सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समांतर।
ये हो गया। अब यहां पे कोई बिंदु मिला है, तो बिंदु मिला है ना, तो इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोज हम इसको M देते हैं नाम, ठीक है M, ऐसा नाम जो इसमें आया ना हो, ठीक है आया ना हो। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कैसा, इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समांतर QR से। तो फिर से स्केल रख कैसा हम कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टर रखेंगे चांदा, जितना डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का यहां से भी कर देंगे, तो इससे पैरेलल मैं रफ बना रहा हूं, तो उतना एक्यूरेट बनेगा नहीं, एक्यूरेट लेकिन ठीक ठाक बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी एक पॉइंट बन गया, इसको हम नाम देते हैं सपोज एस, ठीक है। तो देखो जो पहले बनाया था पी क्यू आर था, लेकिन अब जो बनाया ना, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल एस पी एम, ये जो एस पी एम है ना, वो आपका 2/3 पार्ट है किसका, ये पहले वाला ट्रायंगल का, यानी पहले वाला ट्रायंगल जो भी था उसका 2/3 पार्ट है क्या, ये पी एस एम, ठीक है क्लियर है। तो ये हो गया आपका 2/3 पार्ट इसके मुताबिक मुकाबले, ठीक है कंपेयर टू, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ए बी ड्रॉ करना था, तो एक्चुअली में ये जो एस पी एम जो नया ड्रॉ हुआ है ना, वो ए बी ही है, ए बी सी ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो इसको हम न्यू ड्रॉ कर देंगे, कैसे न्यू ड्रॉ कर सकेंगे, तो इसको आप उठा के यहां रख देना, कैसे देखो पी एम, इसको आप नाप लेना कितना सेंटीमीटर का स्केल से, सपोज ये होगा आपका 2.3 या सपोज 5.6 या कुछ भी हो सकता है, तो जितना पी एम होगा ना उतना आप ऐसा खींच देना, ठीक है। ये है तो पी एम, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं ना, तो ये ट्रायंगल का ए बी पार्ट हो गया, ए बी और ऊपर में जाएगा सी, ठीक है ये हो गया। अब यहां पी से कुछ ये नाप लेना कि कितना सेंटीमीटर का है, जितना सेंटीमीटर का होगा ना उतना आर्क ले लेना, यानी कि राउंडर से, और उतना आप ऐसा कट कर देना, ठीक है कट हो गया। फिर इस बिंदु एम से आप एस आर्क ले लेना, और उतना बी से रख के आप कट कर देना, ठीक है। तो ये सपोज यहां पे आएगा, तो ये जो बिंदु मिला वो पॉइंट सी होगा, और सी और ए को ज्वाइन कर दो, सी और बी को ज्वाइन कर दो, तो ये जो ट्रायंगल बना है वो क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। और ट्रायंगल एबीसी ऐसा है कि जो ए बी है ना वो 2/3 पार्ट है किसका, पी क्यू से, तो हम ये लिख सकेंगे, क्लियर है। तो यही ट्रायंगल आपको बनाना था, क्लियर। तो मतलब ये जो त्रिभुज है ना वो बड़ा त्रिभुज से समरूप है, सिमिलर है, ठीक है, 2/3 पार्ट है, ठीक है क्लियर है। तो इस प्रकार से बन गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहां तक आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा ये और ये। और सबसे बड़ी चीज आपको करना होगा, लिखना होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना, ठीक है। तो रचना आप क्या क्या किए वो स्टेप्स आपको लिखना होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कुछ भी नहीं, जो आप करते गए ना उसको आपको वर्डिंग्स में लिखना है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज अभी अगर मैं लिखने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर है। वैसे स्टेप्स क्या लिखना है, बस जो हम करते जाएंगे बस उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्टेप्स लिखता हूँ, फिर मैं उसको आपको समझा दूंगा, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए, तो देखो वही स्टेप्स लिखे हैं जो हम करते आए थे। देखो पहला स्टेप हम क्या किए थे, किसी भी माप का एक ट्रायंगल बनाए थे, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर किसी भी माप का पी क्यू आर बनाया, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे कि मेक ट्रायंगल ऑफ एनी मेजरमेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, मेक ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ एनी मेजरमेंट, ये लिख देंगे। फिर सेकेंड क्या हो जाएगा, पी से एक रेखा जो क्यू पी एक्स न्यून कोण है, फिर हम क्या किए, पी से एक लाइन खींचे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि न्यून कोण है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उसे आप नोट करते जाइए इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले की तो लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मैं जो बोल रहा हूं उसे आप नोट करो, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेप क्या किए, ड्रॉ लाइन पी एक्स लिख देंगे, ठीक है, इसको सपोज अपन नाम दे देते हैं एक्स तक, तो ड्रॉ लाइन पी एक्स, क्लियर है। सच दैट हम क्या लिख देंगे कि QPX जो एंगल बनेगा, QPX जो एंगल बनेगा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, न्यून कोण होगा 90 अंश से कम होगा, यानी कि ये जो डिग्री होगा ना 90 अंश से कम होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करें, P से प्रारंभ करके, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम P क्या किए, हम ऐसा ड्रॉ किए कि पी पी वन का जितना लेंथ होगा उतना ही पी वन पी टू का भी होगा, उतना ही पी टू पी थ्री का भी होगा, ठीक है, ये स्टेप किए। फिर क्या किए, पी थ्री को क्यू से मिलाए, यानी कि पी थ्री को क्यू से, तो हम क्या कर देंगे, ज्वाइन पी थ्री टू क्यू, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, हो गया। फिर क्या करेंगे, से मिलाए पी टू एम पैरेलल होगा पी थ्री क्यू से, यानी कि पी टू एम ये बिंदु हम ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए कि इससे पैरेलल हो गया, ठीक है, तो पी टू एम इज पैरेलल टू पी थ्री क्यू एंड एम एस पैरेलल टू क्यू आर या आर क्यू, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप। फिर पांचवा स्टेप क्या किए कि ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी जो बनना था, ट्रायंगल एबीसी कैसे बना, ट्रायंगल एबीसी
तो एक्चुअली में क्या होगा, जो AB है, जो AB है वो PM के बराबर है, AB जो है वो PM के बराबर है, और इधर जो AC है वो किसके बराबर है, PS के, तो AC जो है वो PR के बराबर है, है ना, और नहीं नहीं PS, क्योंकि ये थोड़ा त्रिभुज है ना, तो यहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक्चुअली PR नहीं PS होगा, ठीक है। और फिर लास्ट बच गया क्या, CB, तो CB क्या है, SM, तो CB के जगह SM हो जाएगा, ठीक है, CB इज इक्वल्स टू SM, समझ गए ना क्या किए, ये छोटे ट्रायंगल को बस हम नेमिंग चेंज कर दिए, P के जगह A, M के जगह B और S के जगह C, क्लियर। फिर हम लास्ट में लिख देंगे hence, या लिख देंगे अतः AB इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ PQ। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये AB है ना वो 2/3 गुना है किससे, इस PQ से, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी का हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इसी क्वेश्चन में बताया हूं, ठीक है, क्योंकि जो अपन स्टेप्स करेंगे उसी को तो अपने को वर्डिंग्स में लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।